अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अभी हम हैं लंदन हीथरो एयरपोर्ट पे और ये है सेसना 172 SP। बहुत सिंपल प्लेन है तो आज इसको कोशिश करते हैं उड़ाने की। मेरे पास एक्चुअली रडर नहीं है, रडर से ये बिल्कुल स्मूथ होता है और रनवे पे स्ट्रेट होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल करूँ। उड़ तो जाएगा ये कीबोर्ड से, लेकिन वो स्मूथ स्ट्रेट लाइन में नहीं उड़ेगा। ओके, तो ये इसका इनसाइड है। इसको चालू करने के लिए सबसे पहले इसको साइड से हटा देते हैं और ये मास्टर स्विच है, मास्टर स्विच को ऑन करेंगे। पहले नीचे देखेंगे कि फ्यूल ऑन है ना दोनों साइड से। यस, ऑन है। ओके, मास्टर स्विच ऑन करने के बाद हम फ्यूल पंप, बीकन लाइट, लैंडिंग लाइट चालू कर देते हैं। दिन का टाइम है, हमारा कौन सा बिल आएगा। टैक्सी लाइट, नेविगेशन, इन सब को ऑन कर देते हैं। ये पीडो हीट होती है, ज़रूरत नहीं है पीडो हीट की। तो फिर अभी हम क्या करेंगे कि ये मिक्सचर को फुल कर देते हैं। ये मिक्सचर क्या होता है, फ्यूल जो इंजन में जाता है। ओके, इसको करने के बाद अभी ये हम चालू करते हैं, जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं कार का, तो सेम वैसे ही है इसका भी। तो हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको हीट अप करेंगे। जब हमारी 10 RPM आ जाए इसकी, तो RPM तो समझ लें कि इंजन रेडी है। तो इतने में हम बाहर से देख लेते हैं कि ये कैसा है। मैंने साउंड इसका कम कर दिया है जहाज़ का, कि अंदर शोर ना आए वीडियो में ज़्यादा। तो ये है बाहर से लंदन। क्या दिन था, एक दिन मैं भी इधर लैंड किया एक बैग के साथ। ओके, अभी अंदर बैठते हैं और चालू करते हैं इसको। ओके, अभी हम एवियोनिक्स इसके ऑन कर सकते हैं। तो एवियोनिक्स का ये बटन हो गया, तो ये हमारा नेविगेशन सिस्टम सारा ऑन हो गया। ओके, अभी चालू करने से पहले फ्लैप्स 10% कर देंगे, तो ये हमारे फ्लैप्स 10% हो गए। ओके, बाहर से देखते हैं कैसा लगता है फ्लैप्स। तो ये इसके फ्लैप्स हैं, ये वाले। ओके, अभी एक बार ये चेक करके देखते हैं कि मूवमेंट ठीक है इसकी। देखें, अभी राइट के लिए राइट किया तो ये ऐसे हो गया, अगर लेफ़्ट किए हैं तो ये लेफ़्ट का हो गया। अगर पुल अप करते हैं तो देखें ये पुल अप हो गया, अगर पुल डाउन करते हैं इधर से पुल अप हो गया, और पुल डाउन करते हैं तो ये पुश डाउन करते हैं। तो ओके, सॉरी। ओके, रेडी टू गो। ओके, मैं क्या करता हूँ कि फुल थ्रॉटल कर दूंगा अभी, और पार्किंग ब्रेक बाद में रिलीज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि फुल स्पीड में आगे लॉन्च हो जाएगा ये। तो इसको फुल पावर कर दिया, मिनट। हाँ, पावरफुल है इसकी। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, स्पीड इंजन में आ जाए, फिर ब्रेक चालू करेंगे। जब रडर आ जाएंगे तो मैं फिर अच्छे से वो करूँगा, फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, चलो जी, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, सीधा जा भाई, सीधा जा भाई, सीधा जा, तेरी तो। चलो, आप देख सकते हैं कि ये स्पीड, एयर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो जो आइडियल स्पीड है 60 होती है टेक ऑफ के लिए, 60 knots। तो अभी हम 60 पे आते हैं, तो थोड़ी सी नोज़ अप करेंगे। आप देखेंगे ये थोड़ी सी नोज़ अप की। ओके, अब ये ऊपर शुरू हो जाएगा। तो बाहर से इसका नज़ारा देखते हैं,
कैसा लगता है। देखिए ये टेक ऑफ हो गया इसका, तो अभी थोड़ा सा और नोज़ अप करेंगे, ये थोड़ी सी और नोज़ अप हो गई, अंदर बैठ के देखते हैं। ओके, जो मिनिमम स्पीड है स्टॉल स्पीड वो 50 है, तो कोशिश करना है कि इसकी स्पीड 50 से कम ना हो, नहीं तो ये गिर जाएगा हवा से। तो स्पीड अगर कम करनी है तो थोड़ा सा इसको नोज डाउन करें और स्पीड बढ़ने दें। ओके, मेरा जो योक है इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, तो मैं यहाँ से भी इसको घुमा सकता हूँ। ओके, तो ये है, सिक्सटी नॉट्स चाहिए लैंडिंग के लिए, और अभी मैं फ्लैप्स डाउन किया, तो स्पीड और हाइट को मेंटेन रखना पड़ेगा। फ्लैप्स फुल, वन मोर फ्लैप्स, वन मोर। ओके, अभी देखते हैं, ये फ्लैप्स फुल हो गए इसके। चल मेरे भाई, स्पीड थोड़ी स्पीड देंगे।
इसके नीचे एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी है, यूनाइटेड एयरलाइंस। आई थिंक ये ग्रीन वाली होशमिन वियतनाम एयरलाइन है शायद, कैथे पैसिफिक। इसका ये अल्टीमीटर फॉल्टी है थोड़ा, इससे ये बता नहीं रहा कि हाइट कितनी है प्लेन की। अभी इसके मुताबिक 400 फीट है, पर 400 फीट नहीं लगता, एयरपोर्ट तो सामने है। हेलीकॉप्टर हमारी साइड पे तो नहीं आ रहा? नहीं, आप ले नहीं आएगा। ओके, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे जहाज़ का, नोज़ थोड़ी सी ऊपर, नोज़ ऊपर रखेंगे कि अरे भाई इधर नहीं लगना हेलीकॉप्टर, चल साइड पे, इधर नहीं आना। एक्यूरेट लैंडिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी चलता है, हम कौन सा प्रोफेशनल है। ओए हो, सो जा बेटे, सो जा, लैंड कर दे। थैंक यू। ओके भाई साहब, चलो ये होगी आज की वीडियो। थैंक यू, आपने वॉच किया, अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया। बस जबरदस्त, अल्लाह शुक्र, ठीक ठाक यार। शामिर मैं गेम चलाना, कंप्यूटर स्लो थी बंदा यार।